हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 का चैप्टर साउंड पे है। आज की टॉपिक आज हम लोग का पढ़ना है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड का स्पीड कैसे कैसा होता है, किस चीज़ से तो डिपेंड करता है। अब साउंड का स्पीड एक ही होता है या कुछ चेंज हो सकता है। तो जो साउंड का स्पीड है वो डिपेंड ऑन मीडियम या मटेरियल पे। जैसे यहाँ पे देखिए द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड इस पे साउंड का स्पीड डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट है कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, मीडिया कैसा है थ्रू विच इट ट्रेवल्स। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडिया में अलग अलग स्पीड ऑफ साउंड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा, एयर में स्पीड ऑफ साउंड होता है 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर में क्या होता है 1500 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन क्या होता है 5.30 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये एयर मीडिया है, वाटर मीडिया, आयरन मीडिया है, अलग अलग मीडिया में। और स्पीड भी देखिए साउंड ऑफ स्पीड क्या है, अलग अलग है, ठीक है। साउंड ट्रैवल स्लोवेस्ट इन गैसेस, गैसेस में सबसे स्लो साउंड ट्रैवल करता है। फास्टर इन लिक्विड और फास्टेस्ट इन सॉलिड, मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो साउंड की जो स्पीड होता है सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। यही कह रहा है कि साउंड ट्रैवल स्लोवेस्ट इन गैसेस, गैसेस में स्लो होता है, और फास्टेस्ट इन लिक्विड, और फास्टर इन लिक्विड फास्टेस्ट इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। साउंड का जो स्पीड होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेज द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज। जब एयर का टेम्परेचर राइज करेगा, बढ़ेगा, तो साउंड ऑफ स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैं बोला कि एयर है, ड्राई एयर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे इसका जो स्पीड होता है 332 है, और यही एयर है अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें, ड्राई एयर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ टेबल में भी दिया है 344 मीटर पर सेकेंड। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। तो वही कह रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेज इंक्रीजेज या राइजेज, स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीजेज या राइजेज, ठीक है। नेक्स्ट द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर की ह्यूमिडिटी पे, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करें, मतलब जो मॉइस्चर है। देखिए द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीज। जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वहाँ भी ज़्यादा होगा। जो ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड एयर है, ड्राई एयर है, इसमें ज़्यादा स्पीड किसका होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसका ज़्यादा होगा साउंड ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें मटेरियल है, इसको मीडिया भी बोल सकते हैं, मीडियम, मीडिया, और स्पीड ऑफ साउंड है कि मतलब कौन से मटेरियल में कैसा स्पीड होगा। जैसे ड्राई एयर 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड होगा 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर ड्राई एयर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ड्राई एयर में स्पीड कितना होगा, साउंड ऑफ स्पीड, स्पीड का जो साउंड होगा, साउंड का जो स्पीड होगा 334 मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ साउंड। हाइड्रोजन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे 1284 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। फिर वाटर में डिस्टिल्ड वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड 1498 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे 1531 मीटर पर सेकेंड। ब्लड में 37 डिग्री सेल्सियस पे 1570 मीटर पर सेकेंड। कॉपर में 20 डिग्री सेल्सियस पे 3750 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में 20 डिग्री सेल्सियस पे 5100 मीटर पर सेकेंड। और आयरन में 20 डिग्री सेल्सियस पे 5.30 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में 20 डिग्री सेल्सियस पे 5.70 मीटर पर सेकेंड।
ये टेबल है, इस टेबल में अलग अलग मीडियम में मटेरियल है और अलग अलग स्पीड ऑफ साउंड है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, जो किस पे डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंडीशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे क्या होता है नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस अ साउंड। तो देखिए कह रहा है कि वाइब्रेटिंग बॉडी, बॉडी अगर वाइब्रेट कर रहा है कैसे, अ साउंड इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट ओसिलेशन। वाइब्रेट या ओसिलेशन एक चीज होता है, एज इट मीन्स पोजिशन इज टू एंड फ्रो डायरेक्शन। पढ़ाते हैं हम लोग टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, आगे एंड पीछे। तो यहाँ पे वाइब्रेट बॉडी करेगा तो साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। समटाइम्स वाइब्रेशन कैन बी सीन एंड समटाइम्स दे आर इनविजिबल। इसे देखिए ट्यूनिंग फोर्स है, यहाँ पे अगर हम ले जाए किसी रबर पे इसको हिट करते हैं तो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा ये वाला ट्यूनिंग फोर्स। अब यहाँ पे कह रहा है समटाइम्स वाइब्रेशन कैन सीन समटाइम्स दे कैन इनविजिबल। तो जैसे देखिए रिंगिंग बेल है और एक हारमोनिया है, तो हारमोनिया में भी साउंड प्रोड्यूस होगा लेकिन वहां पे वाइब्रेशन नहीं दिखेगा। लेकिन जो रिंगिंग बेल है उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन दिखेगा भी और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, यू कैन सी वाइब्रेशन इन रिंगिंग बेल बट नॉट इन केस ऑफ प्लेइंग हारमोनिया। कह रहा है यू कैन सी वाइब्रेशन इन रिंगिंग बेल, देखिए वाइब्रेशन इन रिंगिंग बेल में क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन लोग देख सकते हैं बट नॉट इन केस ऑफ हारमोनिया। हारमोनिया प्लेइंग हारमोनिया, हारमोनिया में हम लोग वाइब्रेशन नहीं देख सकते हैं बट साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, द टाइटली स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग व्हेन प्लक्ड इन मिडिल इट शो द फास्ट एंड टू एंड फ्रो मोशन। जैसे ऐसे हम समझ सकते हैं कोई रबड़ है, इसको हम यहाँ से खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको एकदम स्ट्रेच है, टाइट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी से थोड़ा सा प्लग कर दें, थोड़ा सा यहाँ खींच देते, क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा। तो वही कह रहा था टाइटली स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग व्हेन द प्लग इज मिडिल में इट सो फास्ट टू एंड फ्रो मोशन। सकता है ये भी हो गया। लास्ट है, व्हेन ट्यूनिंग फोर्क इज हिट ऑन अ रबर पैड, अगर ट्यूनिंग फोर्क, ये है ट्यूनिंग फोर्क किस तरह से रहता है, ट्यूनिंग फोर्क अगर ट्यूनिंग फोर्क को व्हेन ट्यूनिंग फोर्क इज हिट ऑन द रबर पैड द फेंट साउंड इज हर्ड बट नो वाइब्रेशन आर सीन। क्या करेंगे हम, अगर फेंट मतलब होता है जो आवाज है वो कैसा हो, फेंट टाइप का हो, हर्ड बट नो वाइब्रेशन आर सीन, बट यू कैन ब्रिंग दैट ट्यूनिंग फोर्क नियर टू हैंगिंग बेल देन सो इज द ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम रबर पैड पे ट्यूनिंग फोर्क को हिट करेंगे तब फेंट साउंड हमको क्या होगा, सुनने को मिलेगा बट वाइब्रेशन नहीं होगा। लेकिन यही इफ यू ब्रिंग दैट ट्यूनिंग फोर्क नियर टू हैंगिंग बेल देन बेल शो ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।